हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पर्सनलाइज योर सेल्फ। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ ग्लास बॉटल का यूज़ आइडिया, जिसमें आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगी और आप इसको डेकोरेटर या स्कूल एक्टिविटी में भी इसको दिखा सकते हैं। यहाँ मैंने आपको साइड में दिखाया है कि फाइनल लुक इसका कैसा क्रिएट होगा। सो हेयर आई एम टेकिंग एन स्पंज, जिसको मैंने येलो कलर्स में डिप करके इस बॉटल के अराउंड डैप डैप करके कलर किया है। आप कोई भी स्पंज ले सकते हैं, तो स्पंज आपको बहुत धीरे धीरे और लाइटली डैप डैप करना है, अदरवाइज़ यहाँ पर कलर बीच में से गैप छूट जाएगा और आप तब तक इस पर कोई आर्ट या हैंड टच करके मत देखना जब तक कि बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। ये ड्राई होने में लगभग वन डे तो लेगा ही लेगा। अच्छे से ड्राई होने के बाद हम इस पर कुछ करेंगे आर्ट क्ले, जिसमें मैंने ये कलर्ड क्ले ली है और ये क्ले आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएगी। आप इसको प्लेन सरफेस पे रखकर किसी भी बेलन से या फिर आप किसी भी रोलिंग पिन की हेल्प से इसको थोड़ा फ्लैट कर दें, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ लीव्स कट करनी है। अगर ये इस पर स्टिक होता है तो आप पाउडर से भी इसको यहाँ पर इसके नीचे एज अ फ्लोर या कुछ भी मतलब चिकना होने के लिए लगा सकते हैं। फिर मैंने इसको किसी कंपास या किसी शार्पन नीडल की हेल्प से यहाँ पे लीफ की शेप्स को उभारा है और फिर मैंने इसको थोड़ा सा क्लियर शेप हैंड्स की विद फिंगर्स इसको दिया है। यहाँ पे मैंने कुछ इस टाइप से 10-15 लीव्स बना ली हैं। अब देखें हम आगे क्या करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ एक ट्री की ब्रांच मैंने एक विंडो के लिए ब्लू कलर की क्ले ली है और मैं इसको एक विंडो का की शेप दे रही हूँ, जिस जैसे कि स्क्वायर आप देख रहे हैं, और मैं कुछ इसको हेल्प से किसी भी शार्पन एज से कट कर दूँगी। और फिर मैं यहाँ पर कुछ लाइंस भी इसमें ऐसे ही रोल करके यहाँ पर लगा दूँगी, आप जैसे कि देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ऐसे ही वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलें देखते हैं ये किस तरह से यहाँ पर वर्क करेगा। आप इसको फेविकॉल की हेल्प से यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, जिससे ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। और मैंने इसको यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर दिया क्योंकि ये मेरी बॉटल एक मैंने यूज़ करना है, तो पता नहीं ये किस चीज़ की बॉटल थी मैंने ली थी। तो मैं अब यहाँ पर ब्रांचेस बना रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्लू क्ले और यहाँ पे मैं इसको इस टाइप से रोल कर रही हूँ। और आप ध्यान रखें कि इससे कलर वाली क्ले से कलर भी बहुत ज़्यादा छूटता है, तो इसमें ये आपकी बॉटल को कलर ना कर दे, तो ये सफाई से थोड़ा होगा। और फिर ग्रीन कलर की लीव्स में मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया है और फिर इसी तरह से शार्पन नीडल की हेल्प से मैं यहाँ पर इसमें कुछ पेटल्स ड्रॉ कर दूँगी। इस तरह से मैंने काफ़ी सारी पेटल्स इसकी हर एक ब्रांच पे पेस्ट कर दी है। आप देखते जाएं किस टाइप से ये मैं पेस्ट कर रही हूँ। आई थिंक आपको इसे करने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा क्योंकि ये कुछ न्यू एक्टिविटी है। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस इस टाइप से बनी हुई हैं, पर मैंने यहाँ पर कुछ अलग करने की कोशिश की है। ये बहुत सिंपल है और ये आप अगर आपको आर्ट नहीं भी आती तब भी करेंगे, क्योंकि मैं एक क्रिएटिविटी लवर हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ अपनी रूम या होम डेकोरेशन से रिलेटेड आइडियाज़ DIYs करती रहती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये आपके साथ शेयर कर दूँ। यहाँ पे मुझे ये ऐसे डायरेक्ट पेस्ट करना अच्छा नहीं लगा, तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रांच बनाऊँगी और फिर उसके साथ इन सभी पेटल्स को लीव्स को यहाँ पे पेस्ट करूँगी। इसके अराउंड मुझे इसको कवर करना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक ग्रेप्स का बंच भी बनाऊँगी।
इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम या आपको अच्छा ना लगे तो प्लीज़ इसमें आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पर फॉल्ट है। आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। सेम वही मैंने क्ले लेकर उसको हैंड विद द हैंड उसको रोल करके इस टाइप से कुछ पतले पतले से स्ट्रिप्स बनाई हैं और मैं इसकी कवर को इसमें ढक दूंगी। आप यहाँ पे कुछ टिश्यू भी ले सकते हैं उसको रोल करके, तब भी आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। इसका फाइनल लुक कुछ इस टाइप से लगा था। ये थोड़ा कलर कहीं से उतरा हुआ है, मैं दोबारा से इस पर स्पंज पेस्ट कर स्पंज कलर दोबारा से अप्लाई करूँगी। पर ध्यान रखिएगा जब तक पूरा सूख ना जाए आप तब तक मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी वार्निश भी करना है, जिसको मैंने आपने बताया ये नेरोलिक का वार्निश है। ये आपको मार्केट में 70 रुपीज़ का मिल जाएगा। ये मेरा 200 ml की बॉटल है जिसको मैं लेकर आई थी, और मैं इसमें अब क्ले पार्ट को छोड़ते हुए इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट में करूँगी ताकि इसका कलर ना जाए। अगर मैं यहाँ पे क्ले पार्ट पे भी इसका कलर करूँगी तो इसमें ये कलर छोड़ देती है क्ले, और जिसमें आप दिखे आपको दिख भी जाएगा कि मैंने गलती से हो गया था इसमें पेस्ट पेंट, और जिस वजह से इसके कलर उतर के बॉटल पे के येलो कलर पे इधर उधर चले गए थे। तो आप प्लीज़ ध्यान रख के कीजिएगा, आप बिल्कुल भी मत क्ले पर पेंट कीजिएगा, आप इसके रेस्ट पोर्शन पे पेंट कीजिएगा ताकि ये कलर ना जाए। और आप येलो की जगह इसमें ग्रीन कलर भी ले सकते हैं, बिल्कुल लाइट वाला ग्रीन, या आजकल पेस्टल कलर्स चल रहे हैं पिंक कलर, या आप नेवी ब्लू कलर, बिल्कुल सॉरी नेवी ब्लू नहीं, वो लाइट ब्लू कलर्स जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, तब भी इसका क्रिएशन काफ़ी खिल के आएगा। तो मैंने यहाँ पे इसकी वार्निश कर दिया है, अब आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह से लास्ट में लगा था मैंने इसको, बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।